तो भाई मैं हूँ इस वक्त ईवी के प्लांट में जो है चेन्नई में, और अभी राइट नाउ मेरे सामने है कंपनी एक एम्पेयर है जो कि ईवी स्कूटी में डील करती है। अभी इस स्कूटी के अंदर मैंने काफी चलाई गाड़ी, और काफी चलाने के बाद मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला इससे, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और इस स्कूटी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा जो कि आपको ये बाय करने के लिए मजबूर कर देंगे। वैसे यार मैं आपको बता दूं, स्कूटी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर मैं बात करूं फ्रंट सस्पेंशन की, रियर सस्पेंशन की, और पूरे के पूरे इसके कंप्लीट ऑन बोर्ड एक तरीके से डिजाइन की, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और भी बहुत सारी खास चीजें वो मैं आपको क्लोजअप से दिखाऊंगा थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फ्रंट सस्पेंशन की, तो यहाँ पे मिलते हैं आपको फ्रंट टायर जो कि अपने आप में ट्यूबलेस टायर है। और अगर बात की जाए नंबर की, तो 90-90-12 नंबर का टायर आपको देखने को मिल जाएगा विद डिस्प्लेट एंड अलॉयव्हील के साथ। अलॉयव्हील की अगर बात की जाए तो अलॉयव्हील काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है, और ट्यूबलेस टायर के साथ साथ ट्यूबलेस का जो लोगो है वो अलॉयव्हील पे देखने को मिल रहा है, ये सामने आप देख रहे हो। उसके अलावा जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा वो है इसका कलर। इसके अंदर जो कंप्लीटली जो ग्रीन कलर का जो एक होता ना, एक नियॉन ग्रीन टाइप का जो कलर दिया गया है, उसके साथ जो ब्लैक कलर का इन्होंने थीम दिया, ये बहुत ज्यादा प्यारा है। साथ में इसके जो सोकर की बात करें तो यहाँ पे एक आपको ग्लोसी वाला फील में देखने को मिलता है। और साथ में अगर बात की जाए यहाँ की, तो यहाँ पे आपको इंड्योरेंस की छोटी सी मार्किंग देखने को मिलती है। और ये जो पूरा कंप्लीट कैलीपर है, ये सिंगल पिस्टन कैलीपर है। नॉर्मली बाइक के अंदर डुअल पिस्टन कैलीपर आता है, और स्कूटी के अंदर सिंगल पिस्टन कैलीपर आता है। तो इसमें आपको सिंगल पिस्टन कैलीपर मिल जाएगा। 8 नंबर का एलंकी का बोल्ट आपको यहाँ मिलेगा, और एक चेस्ट इसके ऊपर मिलेगा, और 10 नंबर का नट जो बोल्ट होता है वो यहाँ मिलेगा। साथ में क्लिपिंग देखने को मिल जाएगी जो कि डिस्क ब्रेक का पाइप को सेफ करती है। और यहाँ पे ये पाइप से भी पता लग रहा है कि इंड्योरेंस कंपनी का पाइप है, क्योंकि यहाँ पर ना हमें एक लोगो देखने को मिल रहा है, और उसके जस्ट बगल में सोकर के पास आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रात के टाइम हेल्प करेगा आपकी। उसके अलावा अगर बात की जाए कुछ दूर से इस लुक की, तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, कॉम्पैक्ट लुक देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए इसके सोकर की, फ्रंट सस्पेंस की, तो टेलीस्कोपिक सोकर में देखने को मिल जाते हैं डुअल बेस में। उसके अलावा अगर बात की जाए उस साइड की तरफ, यहाँ पर हमें व्हील खोलने के लिए 17 नंबर का नट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए थोड़ा सा हल्के से साइड के लुक की, तो इसका जो मीटर काम करता है वो सेंसरेबल है, तो मीटर रियर व्हील काम करता है, क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया इसमें आगे की तरफ सेंसर नहीं दे रखा है, रियर व्हील में सेंसर दे रखा होगा। तो अभी हम थोड़ा सा और साइड में ऊपर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे नंबर प्लेट का थोड़ा सा डिज़ाइन देखने को मिलता है। मैंने एक तरीके से हुक है नंबर प्लेट का, काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि नंबर प्लेट आपको बीच बिल्कुल सेंटर में मिलती है, तो कंपनी ने इसका बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि नंबर प्लेट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छा लगा, एम्पेयर का लुक देखने को मिलता है यहाँ पर लोगो प्यारा सा। और अगर बात की जाए इसके ऊपर हेडलाइट की, तो भाई साहब क्या ही बोलूँ, आपको पता ही है आजकल हर स्कूटी में, हर बाइक में DRL देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में इसमें एक छोटी सी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, एम्पेयर के लोगो के साथ साथ लोगो जैसी DRL देखने को मिल रही है। मतलब ये होता है ना, जैसे कि काफ़ी सारी स्कूटियों वाली कंपनी जो होती है ना, मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो प्रोडक्ट को चाइना से, थाईलैंड से परचेस करती है, और वो जो है इस स्कूटी के अंदर इस प्रोडक्ट को डाल देती है। पर यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, इसकी जो हेडलाइट है ये साबित कर रही है कि ये कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डीप तरीके से फोकस किया है इसको। और ये देख रहे हो, ये लोगो देख रहे हो, मतलब ये DRL भाई सब क्या ही लुक दे रहे हैं। मैं चाबी ऑन करता हूँ इसकी, ज़रा ये मैंने चाबी ऑन करी इसकी, और देखो यहाँ पे DRL ऑन हो गया इसकी। और ये देखो हेडलाइट, आए हाय क्या बात है, LED हेडलाइट, एम्पेयर की मार्किंग, और यहाँ पे एम्पेयर के लोगो की लाइट DRL में, क्या ही बात है, स्वाद आ गया भाई। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये भी हमारे को मिल जाती है राइट साइड की डिस्क ब्रेक, और अगर बात की जाए रियर साइड की, तो ये हमारी रियर डिस्क ब्रेक। उसके अलावा काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, ये ना ये क्या बता रहे, अगर हम इसको ऐसे प्रेस करते हैं और इस तरीके से दबा देते हैं, तो हमारी स्कूटी लॉक हो जाती है। की ऑन करने के बाद हमारा TFT कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये वाला इंडिकेटर दबाते ही हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाता है, और यहाँ पर एक लाइट देखने को मिलती है, जो कि इसकी बैटरी लो है अभी, तो अभी मैं इसको सुबह से चला रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ भाई, इसको सुबह से चला रहा हूँ मैं स्कूटी को सुबह से, और दो बार अगर अभी बात की जाए 9.7 किलोमीटर चल चुकी है। बट इसकी जब मैंने इसको स्टार्ट की थी ना राइड वगैरह, तो उस टाइम इसकी बैटरी 20% के आसपास थी, तो अभी 14% है, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो बटन, ये वाला बटन दबाते ही चारों इंडिकेटर काम करते हैं इसके, देखो ये, तो यहाँ पर आपको चारों इंडिकेटर, यानी कि आपको हैजार्ड स्विच लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, कंपनी ने इसका भी ध्यान दिया है। और इसमें एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा खास बनाती है, वो ये कि ये स्कूटी 4 रिकॉर्ड अपने आप में बना चुकी है। एक रिकॉर्ड में बता देता हूँ, 3 आप गूगल कर लेना। पहला रिकॉर्ड ये है कि भाई ये 10,000 किलोमीटर चल चुके हैं, K2 के राइड कंप्लीट कर चुकी है, और क्या ही चाहिए यार। उसके अलावा इसकी ग्रिप की अगर बात की जाए, तो ग्रिप पर यहाँ पर इस एम्पेयर का लोगो मिल जाता है, हैंडल वेट देखने को मिल जाता है, काफ़ी हैवी है। उसके अलावा अगर बात की जाए थोड़ा से फ्रंट के लुक की, तो कुछ इस प्रकार से लोगो इसका देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में कुछ यूनिक सा प्रेजेंट कर रहा है। देख रहे हो एकदम यूनिक, किसी भी स्कूटी से मैच नहीं कर रहा, एकदम यूनिक। अगर आपके मन में कोई थॉट आ रहा है कि हाँ भाई इस स्कूटी से मैच कर रहा, तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। साइड स्टैंड पे गाड़ी लगे, तो साइड स्टैंड का लोगो तक आ रहा है, तो ये भी एक अपने में बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा मीटर में यहाँ पे हमें एम्पेयर की लोगो यानी कि मार्किंग देखने को मिल जाती है, ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पे बटन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो ये बटन का जो भरा भरा फील दे रहे हो, ये भरा भरा फील है, ये थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा 3D में लग रहा है और थोड़ा बाहर नहीं लग रहा, तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है।
तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर बात की जाए डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा लग रहा है, और उसके अलावा इसकी लॉक की मैं बात करूँ तो लॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है क्रोम की फिनिशिंग के साथ। और ये जो चाबी है इसकी, ये कुछ कुछ आपको कंप्यूटराइज चाबी देखने को मिल रही होगी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फिनिशिंग के साथ देखने को मिलती है। यहाँ पर ना एम्पियर का लोगो देखने को मिलता है, तो एम्पियर ने काफ़ी जगह ब्रांडिंग कर रखी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। डुअल चाबी आपको देखने को मिलती है जब आप स्कूटी परचेस करते हो। तो हमने इसकी सीट को ओपन कर दिया है, सीट ओपन करने के बाद हमें कुछ इतना स्पेस देखने को मिलता है, और सीट ओपन करने के बाद बिल्ड क्वालिटी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है हमें। और यहाँ पे हमें कुछ इतना स्पेस दिख रहा है, अगर ये वाला एरिया की बात करूँ तो इस वाले एरिया के ठीक नीचे बैटरी दे रखी है। उसके अलावा यहाँ पर हमें एक बटन देखने को मिलता है जो कि ये है, ठीक है। ये बटन किस काम का है भाई, एक बार देख लेना, लाइट का है, लाइट कनेक्शन हटे हुए हैं अभी। और ये इसके साइड में रेनॉल्ट जो एसेसरीज होती है वो इसमें दे रखी है, लॉक यहाँ दे रखा है इसका, और चेसिस नंबर यहाँ दे रखा है इसका। उसके अलावा ये मैं देखने को मिल जाता है सीट रेस्ट, और सीट रेस्ट भाई बहुत ही हैवी है, मतलब जब मैं पकड़ रहा हूँ ना तो भाई बिल्कुल अलग ही बिल्ड पावर सी एकदम होता है ना, मजबूती सी फील आ रही है मुझे तो। उसके अलावा अगर बैकलाइट की बात करें तो बैकलाइट भी इसकी एलईडी देखने को मिलेगी, और बैकलाइट में ही इंडिकेटर इनबिल्ड कर रखे हैं। ये देख लो, एक अलग से कवर है, फिर अंदर एक और उसकी बैकलाइट है। उसके अलावा यहाँ पे इसका इंडिकेटर है लेफ्ट एंड राइट दोनों का, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी नेक्सस द नेक्स्ट बिग थिंग, ये है आपको देखने को मिलता है स्टिकर छोटा सा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी लग रही है स्कूटी। बैक लाइट में आपको देखने को मिल जाएगा, बैक साइड थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर छोटा सा विंड दे रखे हैं, जो कि अपने आप में ही एक तरीके से जो हीट होती है इसकी वो बाहर निकलेगी, इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ यही हो सकता है। उसके अलावा यह है नंबर प्लेट लाइट, यहाँ पर नंबर प्लेट लगती है, यह है रिफ्लेक्टर जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया सा लुक दे रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इसमें बढ़िया लगा वो है डुअल सोकर। ज़्यादातर स्कूटी है, ज़्यादातर छोड़ो 90% स्कूटियाँ जो है उसमें रियर सोकर सिंगल आता है, पर इसमें आपको डुअल सोकर देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इसका सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्लास दे रहा है। तो यार यहाँ सस्पेंशन हो गया, उसके अलावा एडजस्टेबल सस्पेंशन है भाई, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों ही कर सकते हो, आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी ने प्रॉपर कवर दे रखा है, साथ ही 3D मार्किंग एम्पियर देखने को मिलता है, मैन स्टैंड देखने को मिल रहा है इसके अंदर आपको। उसके अलावा ये देखो, ये रहा सोकर, एक लेफ्ट एंड राइट दो सोकर देखने को मिलते हैं, रियर एंड फ्रंट दोनों ही अवेलेबल, ट्यूबलेस है, अवेलेबल के साथ मिलते हैं। रियर ड्रम ब्रेक है, फ्रंट डिस्क ब्रेक है, मैन स्टैंड विद एक अलग ही लेवल की क्वालिटी के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाती है। अगर बात की जाए तो पूरा पूरा फील देगी आपको ये नॉर्मल पेट्रोल जैसी, पर है ये इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। साइड स्टैंड का लुक, अगर दूर से लुक की बात की जाए तो ये कुछ इस प्रकार से लुक देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर यहाँ से थोड़ा सा सर्कल में हो जाऊँ तो मैं यहाँ से लुक देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया मुझे लग रहा है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो प्राइस मैं बता देता हूँ आपको, प्राइस आप गूगल सर्च कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी कंप्लीट डिटेल मेंशन कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई सी भी इस स्कूटी से रिलेटेड नॉलेज मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, या फिर इससे रिलेटेड कोई ऐसी बात पता लगी है आपको जो हाँ भाई स्कूटी बहुत बढ़िया है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आप इस स्कूटी को ईजी वे में किसी भी स्टेट में जाके परचेस कर सकते हैं, कहीं भी इसका शोरूम आपको मिल जाएगा, गूगल पर सर्च कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।